वक्रतुंडी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्यषु सर्वदा। एक बार मां जाओ फिर आके चली जाना, एक बार मां आ जाओ फिर आके चली जाना। जय माता दी दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सब कुशल से होंगे। माता ब्रह्मचारिणी आप पर कृपा बनाई रखें, क्योंकि आज दूसरा नवरात्रा माता ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। तो आइए आज हम माता ब्रह्मचारिणी की कथा आपको सुनाते हैं। कल हमने आपको माता शैलपुत्री की कथा सुनाई थी, यदि आपने नहीं सुनी है तो उसको भी हम डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक दे देंगे, आप उसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा सुशील वैश्य की कथा जो कि श्रीमद् भागवत देवी भागवत से ली गई है, उसको भी आप सुन सकते हैं, उसको भी हम डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे देंगे। तो अभी बात करते हैं माता ब्रह्मचारिणी की। जय माँ ब्रह्मचारिणी, सब पर कृपा करने वाली हम पर भी कृपा अवश्य कीजिए। माँ दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी, यह ब्रह्मा का अर्थ तपस्या से है। यहाँ पर जो ब्रह्म लिया गया है मतलब ब्रह्मचारिणी, उसका अर्थ क्या है, तो उसका अर्थ है ब्रह्मा का तपस्या। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम में वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी यानी तप का आचरण करने वाली, ब्रह्म मतलब तपस्या, तप और चारणी मतलब आचरण करने वाली। तो ब्रह्मचारिणी का अर्थ हमने आपको बताया, यह रूप पूर्ण ज्योति में और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए हुए। क्यों? क्योंकि माता रानी जप कर रही है, तपस्या की है माता ने। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया। अब आप कहेंगे कि कला पढ़ रहे थे कि शैलपुत्री, तो जो इस बात का ज्ञान रखते हैं उनको पता है कि माँ जगदम्बा का एक ही रूप है, उसी में नौ रूप समाये हुए हैं। तो ये नौ रूप, नौ दुर्गे, माँ जगदम्बा महा आद शक्ति को कहा जाता है जिसके ये नौ रूप हैं। तो उसी में से ही उनके अलग अलग नाम लिए गए हैं अलग अलग समय पर। पहले उनका नाम शैलपुत्री लिया गया, और क्योंकि उन्होंने ब्रह्म अर्थात तपस्या की तो उनका नाम ब्रह्मचारिणी हो गया। ब्रह्मचारिणी माता ने 1000 वर्ष तक तपस्या की। उन्होंने 1000 वर्ष तक तो केवल फल फूल ही खाकर बिताए, 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया, क्योंकि वो राजा हिमालय की पुत्री थी और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर के पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या पर चली गई। और तपस्या की तो उन्होंने 1000 वर्ष तक तपस्या की, फिर उन्हें भोलेनाथ प्राप्त हुए हैं, ऐसे नहीं हुए हैं। 1000 वर्ष तक फूल खाकर, फल खाकर, 100 वर्षों तक केवल जमीन पर शाक पर निर्वाह किया, कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश में नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट भी सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिलपत्तर खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिलपत्र खाना भी छोड़ दिया। 1000 वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों का खाना छोड़ देने के कारण इनका नाम अपर्णा भी हुआ, इसीलिए माँ जगदम्बा को अपर्णा भी कहा जाता है। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया, कमजोर हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धिगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताया और सराहना की और कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने इतनी कठोर तपस्या नहीं की, ये तुमसे ही संभव थी क्योंकि तुम साक्षात माँ जगदम्बा हो, शक्ति हो। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमोल शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्दी ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए,
माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं और दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के स्वरूप की उपासना अवश्य करनी चाहिए। माता ब्रह्मचारिणी को हरा रंग अति प्रिय है, इसीलिए माता को हम हरे रंग का वस्त्र किसी छोटी कन्या को भेंट कर सकती है, खुद भी हरा कलर धारण कर सकते हैं, जिससे कि माता रानी प्रसन्न होती है, हरे रंग की चूड़ियाँ पहने, हरे रंग के कपड़े पहने इस दिन पूजा करें और माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाएं। शक्कर का भोग माता रानी को बहुत प्रिय है, तो आज के दिन शक्कर दान कीजिए, शक्कर का भोग लगाइए, माता रानी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। जय माता दी। यदि आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।